नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मराठी के यशस्वी उपन्यासकार शिवाजी सावंत का सांस्कृतिक उपन्यास मृत्युंजय का 14वां भाग। सूर्यपुत्र महारथी कर्ण की अद्भुत जीवन गाथा आइए सुनते हैं कुंती की जुबानी। उस दिन मैं रोती ही रही। पक्षी के बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की हठ करने वाली भावुक प्रथा ने अपने ही नन्हे शिशु को आज अपने हाथों से दूर धकेल दिया था। वह बालक कहाँ जाएगा, किसके हाथ में पड़ेगा या बहता बहता सीधा सागर में जा मिलेगा? यदि यही हुआ तो अनेक शंकाओं से मेरा मन व्याकुल हो गया। सिर उठाने तक की इच्छा नहीं होती थी, किसी को मुंह दिखाने का साहस नहीं होता था। रात को कोई महल में आकर समय जला गया। थोड़ी देर बाद कोई भीतर आया। उसने धीरे से मेरे पीठ पर हाथ फेरा। मैंने समझा कि वह धात्री है, इसीलिए मैं उस पर चिल्लाई, धात्री तू जा यहां से। मैं उसका स्पर्श तक नहीं चाहती थी। बेटी ऊपर देख। मैं चौंक पड़ी। वे पिताजी थे। समय के धुंधले प्रकाश में वे खड़े थे। महल में धात्री का पहरा न होने के कारण वे सीधे भीतर आ गए थे। मैंने आंखें पोंछकर उनकी ओर देखा। भय से मेरा मन सुन्न सा हो गया था। क्या सब कुछ जान गए थे? धात्री एक दिन का भी धैर्य नहीं रख सकी क्या? अब न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। इतना निर्मम कार्य करने पर भी क्या मेरा भविष्य अंधकार ही होगा? मेरा कंधा थपथपाते हुए वे शांतिपूर्वक बोले, कुंती, मथुरा के तुम्हारे पिता का आज ही पत्र आया है। उन्होंने तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करने का विचार किया है। उनकी बड़ी उत्कट इच्छा मालूम पड़ती है। मैंने मुक्ति की सांस ली। कुछ बोलना चाहिए यह सोचकर मैंने कहा, जैसी उनकी इच्छा और आपकी आज्ञा। मैं जानता हूं तुम्हें मथुरा की याद दुख देती थी, अब वह कुछ हल्का हो जाएगा। तुम जल्दी ही अपने माता पिता को देख सकोगी। आंखें पोछो, दुखी मत हो। उनको कुछ भी पता नहीं था। वे क्या कह रहे थे या मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। स्वयंवर की तैयारी प्रारंभ हो गई। पिताजी से मैंने यह कहा था, जैसी आपकी आज्ञा। इससे वे यही मानकर चले कि मेरी सहमति है और वे आगे की सभी तैयारियां करने लगे। मेरा मन इधर उधर भटकने लगा, जैसे कोई शिकारी मृगी का पीछा करता है। वैसे ही अनेक विचित्र विचार मेरा निरंतर पीछा करने लगे। जिस समय मैं स्वयंवर की माला हाथ में लेकर खड़ी होंगी, संभवतः उसी समय कोई भुजंग ऊपर से छिद्र से उस पेटिका में घुसकर मेरे लाल के गले को कुंडली में कसकर बैठा रहे। जिस समय मैं विवाह की वेदी पर खड़ी होंगी, ठीक उसी समय कहीं वह पेटिका नदी तल के कीचड़ में न धस जाए। जिस समय वाद्यों के संगीत में मेरे सिर पर मंगल अक्षत पड़ रहे होंगे, कहीं उसी समय किसी पत्थर से टकराकर उस पेटिका का ढक्कन न खुल जाए। कहीं अब तक खुले दिखाई पड़ने वाले मेरे लाल के तेजस्वी सुनहरे दीप को बुझाने के लिए आकाश में फिरने वाले चील और गिद्धों ने झपट्टा मार मार कर उसके सिर को लहूलुहान न कर दिया हो। मैं विवाह के मंगल सूचक वाद्य सुन रही होंगी, उधर मेरा लाल अट्टहास करती हुई लहरों का कर्कश मृत्यु गीत सुन रहा होगा। मेरा मन मछेरे के जाल में फंसी हुई मछली की तरह छटपटाने लगा। मैं जितना अधिक विचार करती वह उतना ही अधिक उलझता जाता। पलंग पर उपधान में मैं मुंह छिपाकर सिसकने लगी। उसका गोल मनोहर चेहरा, घुंघराले सुनहरे पाल और कानों के सुकुमार कुंडल दिन भर लगातार मेरी आंखों के आगे नाचते रहते। प्राणों का हाहाकार सुनकर मैं अपनी आंखें कस कर बंद कर लेती। मेरे स्वयंवर का आमंत्रण आसपास के सभी मान्यवर राजाओं को भेज दिया गया। समस्त नगर में यही चर्चा हो रही थी।
मुझको अपने भाग्य पर तरस आ रहा था। पृथा से मैं कुंती बनी थी, कुंती से माता बनी थी, और अब फिर कुमारी बनकर मैं स्वयंवर के लिए तत्पर होने वाली थी। संसार की किस स्त्री को विधाता ने मेरी तरह निर्दयता पूर्वक मनचाहा नाच नचाया होगा? लेकिन मेरे शब्दों का प्रत्युत्तर देने वाला यहाँ कौन था? यह स्वयंवर मुझको नहीं चाहिए। यदि मैं चीख कर सबसे यह कह देती तो अनवरत प्रश्नों की मार से सबने मुझे अधमरा कर दिया होता। स्त्री मानो समाज की पशुशाला में सामाजिक रूढ़ियों की रस्सी से बंधी हुई कोई गाय होती है। अनेक बातें उसकी इच्छा के विपरीत होती है, लेकिन वह मुक्त मन से कभी उनका उल्लेख नहीं कर पाती। मानो कोटि कोटि दुखों को आकाश की तरह शांत रहकर चुपचाप सहन करने के लिए ही उसका जन्म होता है। स्वयंवर का दिन निकट आने लगा। सभी नगरजनों के उत्साह समुद्र में जैसे ज्वार आ गया। उनकी राजकुमारी का स्वयंवर था। विविध प्रकार के वैभव का प्रदर्शन उनको देखने को मिलने वाला था, लेकिन मेरा अकेला मन देह के अंधेरे कक्ष में आंसू बहाता रहता। मैं अपने लाल को एक बार भी तो दूध नहीं पिला सकी थी। अब कुंती दो जीवन बिताने लगी, एक भीतर की कुंती का और एक बाहर की कुंती का, एक राजकुमारी का और एक भग्न हृदय माता का। इन दो कुंतियों के बीच मेरे दयनीय प्राणों की दुर्दशा होने लगी। राजस्त्रियों के दुख भी राजभवन की तरह ही विशाल होते हैं, और उनको कुल और प्रतिष्ठा की प्राचीरें सदैव घेरे रहती हैं। स्वप्न शायद स्मृति की संतान होती है। नित्य रात को मैं चित्र विचित्र स्वप्न देखती। कभी स्वप्न में चंडोल पक्षी का वह बच्चा अपनी चोंच फाड़कर दीन स्वर में चिल्लाता, तो कभी नदी किनारे देखी हुई वह स्वप्नसा काय रंभाने लगती। उसका पुष्ट बछड़ा उसके पीछे झब्बेदार पूंछ उठाकर उछलता कूदता दिखाई देता। एक दिन तो स्वप्न में मैंने बड़ा भयानक दृश्य देखा। पानी के हिचकोले खाती हुई वह बेटिका नदी में एक पाषाण खड्ड से अटक गई। भीतर बालक भूख से चीख रहा था। आगे बढ़कर स्नेह से उसको कोई उठा नहीं रहा था। लहरों से जब वह पेटिका हिलती तो बालक समझता कि कोई उसको उठाने के लिए आ गया है। हाथ पैर मारकर किसी की गोद में जाने के लिए वह उत्कंठित हो जाता, लेकिन किसी ने भी उसको गोद में नहीं लिया। चिल्ला चिल्ला कर वह थक गया। अंत में भूख से व्याकुल होकर अपने नन्हे हाथ पैर पटकते पटकते उसको एक भयानक हिचकी आई और वह सदा के लिए शांत हो गया। लेकिन वह शांत नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका मृत शरीर धीरे धीरे हिलने लगा विचित्र ढंग से। क्षण प्रतिक्षण उसका सुनहला अंग और अधिक सुनहला होता हुआ फूलने लगा। बेटिका का ढक्कन खड़ाक से उसने पैर से खोल दिया। बढ़ते बढ़ते वह आकाश पुरुष जैसा विशाल हो गया। उसकी मुख मुद्रा क्रोध से तमतमा रही थी। कान के कुंडल संतप्त हो गए थे। उसकी नीली आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। अश्व नदी के विस्तृत जल पर अजस्त्र अपने पैर पढ़ाता हुआ वह धनाधन मेरी ओर दौड़ता आ रहा था। अपनी मुट्ठी बांधकर क्रोध से होंठ चबाता हुआ वह कह रहा था, माता के पवित्र नाते को पैरों तले रोंदने वाली राक्षसी, प्रतिष्ठा के रेशमी आवरण में छिपकर बैठने वाली डायन, ठहर। उसने अपनी शक्तिशाली मुट्ठी मेरे सिर पर मारने के लिए ऊपर उठाई। मैं चीख उठी, धात्री दौड़। धात्री शायद भवन के बाहर खड़ी थी। मेरी भयंकर चीख सुनकर वह दौड़ती हुई भीतर आई। मेरे मुख का स्वेद पोंछती हुई वह घबरा कर बोली, राजकुमारी कितनी डर गई हैं आप, कोई स्वप्न वप्न देखा था क्या? धात्री मेरा लाल, मैं कुछ कह भी नहीं सकी। यह दासी मेरी व्यथा कैसे जान पाएगी? राजकुमारी आपका लाल सुरक्षित है, मैं आपके जागने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी पीठ पर हाथ फेरती हुई वह दबे हुए स्वर में बोली,
मैं झटपट उठी और उसके कंधे पकड़कर झकझोरती हुई आनंद से चिल्लाई, कहाँ है, किसको मिल गया है वह? उसने बाहर खड़े एक मछेरे को भीतर बुलवाया। झुककर वह भवन में आया। मैंने उससे एकदम तीन चार प्रश्न किए, कहाँ गई वह पेटिका, किसको मिली, जिसको मिली उसने शिशु को गोद में उठाया या नहीं? राजकुमारी, वह पेटिका अश्व नदी में चर्मनवती में गई। चर्मनवती नदी से कनकपुर के पास वह यमुना में गई। यमुना से प्रयाग के पास वह गंगा में गई। फिर प्रयाग से 50 योजन दूर काशी राज्य के पास वह अंध देश की चंपा नगरी के पास पहुंची। किसको मिली वह? देव योग बलवान था, एक सारथी ने उसे जल से बाहर निकाला। 300 योजनों की यात्रा करके पहुंची थी वह पेटिका। सारथी? जी हाँ राजकुमारी, उस सारथी की स्त्री ने उस बालक को गोद में ले लिया। उसको देखते ही उस स्त्री के आंचल में दूध आ गया। वह बालक सारथी की पर्ण कुटी में सुरक्षित है। क्षमा करे राजकुमारी, लेकिन वह बालक किसका है? किस पाषाण हृदय माता ने उसको इस प्रकार मृत्यु के मुख में धकेल दिया था? वह बालक दुर्वासा ऋषि के महायज्ञ का है। उसकी ओर अपने गले की मोतियों की हार फेंकती हुई मैं बोली, किसी से कुछ भी मत कहना। गुरुदेव दुर्वासा? भयभीत होकर अस्पष्ट सा उद्गार निकालकर वह जल्दी जल्दी हार लेकर चला गया। मेरा मन शांत हो गया। प्रसन्न होकर मैंने धात्री को आलिंगन में भर लिया। मेरी आंखों से बहने वाली आंसुओं की धार उसकी कंचुकी भिगोने लगी। उसने एक राजकुमारी की विवस्था के दुख के आंसू पोछे थे। उसमें अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए छटपटाने वाली एक माता के आनंद के आंसू थे। कहीं भी हो वह सुरक्षित था। स्वयंवर का दिन आ गया। नगर आमंत्रितों से भर गया। राजभवन के सामने खुले प्रांगण में एक विशाल मंडप सजाया गया। पिताजी छोटे बालक की तरह उत्साह से यह देखते हुए कि कहां किस वस्तु की आवश्यकता है पूरे मंडप में घूमने लगे। नगरजन आकर भवन की सजावट करने लगे। नगारे, तंतुवीणा, तुरई आदि बजने लगी। मगध, कौशल, मद्र, चेदी, विदेह, काशी आदि सभी देशों के राजेश्वर स्वयंवर के लिए आए। मथुरा से माताजी और पिताजी कन्यादान करने के लिए आए। भाई वसुदेव और श्रुति श्रवा नामक बहन आई। मेरे मथुरा छोड़ आने के बाद माता पिता ने वसुदेव को पुत्र मान लिया था। श्रुति श्रवा को तो मैं पहली बार ही देख रही थी। राजभवन में बहुत वर्षों बाद स्वयंवर का यह समारोह हो रहा था, इसीलिए चारों ओर उत्साह ही उत्साह छाया हुआ था। विवाह? स्त्री की जीवन सरिता एक सबल और पराक्रमी पुरुष के समुद्र से मिलती है। वह संस्मरणीय मोर एक स्त्री के खिले हुए सुगंधित जीवन पुष्प का ससुराल के विविध व्यक्तियों की माला में मधुर गुम्फन। स्त्री के जीवन का पहला ही मंगलमय संस्कार। आर्य स्त्री का पुनर्जन्म। स्वयंवर का समय हो गया। मंडप नगरजन एवं आमंत्रितों से खचाखच भर गया। पिताजी ने उठकर सबको संबोधित कर कहा, आर्यवर्त के पराक्रमी राज राजेश्वरन, मथुरा के यादव राज शूरसेन की औरश कन्या प्रथा मेरी लड़की कुंती अब मंडप में वरमाला लेकर आएगी। आमंत्रित जनों में से अनुरूप वर के गले में वह स्वेच्छा से वरमाला डालेगी। आप सब लोग इस स्वयंवर में आए हैं, यह देखकर मेरा मन हर्ष से फुला नहीं समा रहा है। एक भोजवंशीय राजा के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस स्वयंवर में कोई प्रण नहीं रखा गया है। मेरी कन्या की कुंती की स्वीकृति ही इस स्वयंवर का प्रण है। सबने खड़े होकर आदरपूर्वक पिताजी को अभिवादन किया।
मंडप में चारों ओर शांति छा गई। हाथों में शुभ्र पुष्पों की वरमाला लेकर मैंने अमाते के पीछे पीछे मंडप में प्रवेश किया। किसी ने पुकार कर कहा, यादव कुलोत्पन्न मथुरा देशीय रूप समागी राजकुमारी कुंती देवी। सभी राजेश्वर उठकर क्षण भर खड़े रहे। पिताजी ने हाथ ऊंचा किया, वे पुनः बैठ गए। मेरे सारे शरीर में विद्युत की लहर सी दौड़ गई। आज मुझको अपने भावी जीवन यात्रा के लिए एक योग्य सहयात्री चुनना था। मेरा आज का चुनाव ही मेरे भविष्य का निर्माता था। अचानक कानों में हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। वरमाला संभालती हुई मैं अमात्य के पीछे पीछे धीरे धीरे पैर रखती हुई मंडल में घूमने लगी। अमात्य प्रत्येक राजेश्वर का वर्णन सुना रहे थे। जितने विशेषण उनको ज्ञात थे उन सब का प्रयोग वे कर रहे थे। मैं तिरछे कटाक्ष से प्रत्येक राजेश्वर को देखती जा रही थी और स्वीकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। एक एक करके बैठे हुए सभी राजेश्वरों के आसन समाप्त होने को आए। अंत में एक ही नाम शेष रह गया, मगध देश के शत्रुतापन महाराज दीर्घ। अमात ने परिचय दिया। मैं अस्वीकृति की मुद्रा में आगे बढ़ गई। सभी लोग कानाफूसी करने लगे। संध्याकालीन लंबी सुनहली किरणें मंडप में फैलने लगी। अमात ने भयभीत स्वर में मेरे कानों में कहा, राजकुमारी अब यह मंडप युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। आपको किसी न किसी का चयन अवश्य कर लेना था, या क्या किया? कुछ कहने के लिए पिताजी खड़े हुए। इतने में ही मंडप के पश्चिमी भाग में कुछ कोलाहल सा हुआ। नगर जन झटपट एक ओर हटने लगे। उनके पीछे हजारों अश्वारोही भवन के महाद्वार से भीतर घुसे। किसी ने पुकार कर कहा, हस्तिनापुराधिपति कौरव राज महाराज पांडु। हाथ की माला संभाल कर मैं पश्चिम की ओर देखने लगी। एक लंबी गौर वर्ण हिष्ट पुष्ट आकृति मंडप में आगे बढ़ती आ रही थी। अस्त होते हुए सूर्य देव की किरणें पीछे से उस आकृति पर पड़ रही थी। आकृति का चेहरा भरा हुआ एवं गोल था, मानो सूर्य देव ही स्वयंवर में कुंती की लाज रखने के लिए आ रहे थे। उस आकृति ने जैसे ही मंडप में प्रवेश किया, मैं आगे बढ़ी। अपने हाथों की वरमाला मैंने उस पुरुष श्रेष्ठ के गले में डाल दी। चारों ओर तालियां बज उठी। कोई आनंद से चिल्लाया, हस्तिनापुर कौरव कुलभूषण महारानी कुंती देवी की। सभी ने उसका उत्तर दिया, जय हो। मैं राजकुमारी कुंती से महारानी कुंती हो गई। मेरा मन आनंद सिंधु में डुबकी लगाने लगा। समस्त आर्यावर्त पर जिसके पराक्रम की पताका फहरा रही थी, ऐसे कुरुकुल की मैं महारानी बन गई। महाराज के साथ मैंने आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी को नमस्कार किया। उन्होंने हर्षाभिभूत होकर आशीर्वाद दिया, गुरु कुल की दिगंत व्यापी कीर्ति तुम्हारे कारण स्वर्ग लोक तक पहुंचे। आज तक जो अनपेक्षित घटनाएं घटी थी, उन सब में यही एक घटना ऐसी थी जो मुझको धीर बंधा सकती थी। मेरी इच्छा अनुसार घटी थी, मैं निश्चिंत हो गई। 8 दिन बाद महाराज के साथ हस्तिनापुर जाने के लिए मैं रथ में बैठी। सभी नगरजन मुझको विदाई देने आए थे। पिताजी उत्तरीय से आंखें पोंछ रहे थे। मैंने वसुदेव से तथा अन्य सबसे विदा ली। महारानी कुंती के रूप में हस्तिनापुर चल दी। नगर की एक ही महत्वपूर्ण स्त्री मैंने अपने साथ ली थी और वह थी धात्री। मेरा मन अनेक प्रकार के मिश्रित भावनाओं से भराया। मेरी स्मृतियों की कल्पना से अपनी देह को सजाने वाले उस नगर को अभिवादन कर मैंने उससे विदा लिया। रथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगा। नगर की सीमाएं पीछे छूटने लगीं।
अंत में अश्व नदी का पात्र आया। उस पात्र को देखते ही विवाह के पूर्व की स्मृतियां मेरे मन में धधक उठी। जैसे आग की एक चिंगारी से भीषण आग धधक उठती है, उसकी लहर लहर पर मुझको वे दो सुनहले कुंडल दिखाई पड़ने लगे, दो सुकुमार हाथ दिखाई देने लगे, जिन हाथों को राजदंड पकड़ना था वे ही अब प्रतोद और घोड़े की वल्गा पकड़ेंगे। विधाता भी कितना क्रूर है, वह मुझको मथुरा से इस नगर में ले आया था। इस नगर में रहते हुए मेरे जीवन को में कोई दुख नहीं था, यह उससे देखा नहीं गया। उसने हिमालय से दुर्वासा को यहाँ भेज दिया। अब मैं हस्तिनापुर जा रही थी, लेकिन मेरा वह तेजस्वी लाल चंपा नगरी में था, एक सारथी की पर्णकुटी में। उसकी स्मृति के रूप में मैंने अश्व नदी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। राजकुमारी कुंती कौरवों की महारानी बनकर जा रही थी। स्त्री का जीवन अर्थात अनेक उलट फेर, कभी वह किसी की कन्या, किसी की पत्नी, किसी की माता होती है, तो कभी किसी की बहू, किसी की भाभी होती है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कभी होता ही नहीं, होता भी है तो वह दिखाया नहीं जा सकता। हम हस्तिनापुर आए। यह महारानी शकुंतला, सुवर्णा, यशोधरा, तप्ती, शुभांगी, संप्रिया, अमृता, सुयशा, सत्यवती आदि महारानियों का नगर था। एक से एक सरस महारानियों ने कुरुकुल की कीर्ति आर्यावर्त में फैलाई थी। नगर में प्रवेश करते ही मैं अवाक रह गई। हजारों नगरजन अपनी महारानी के स्वागत करने के लिए गंगा के पवित्र तीर पर एकत्रित थे। आनंद से मत होकर वे नारे लगा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, बाजे बजा रहे थे। गंगा की हर लहर आनंद से नृत्य करती हुई कुरु वंश की वधु का स्वागत कर रही थी। यही गंगा चंपा नगरी में मेरे पुत्र का लालन पालन करने वाली थी, इसीलिए मैंने उसको झुककर प्रणाम किया। धूमधाम से हम लोग राजभवन पहुंचे। महाद्वार पर राजमाता ने मेरी आरती उतारी। समीप ही पितृ तुल्य पूज्य महाराज भीष्म और धृतराष्ट्र खड़े थे। श्रद्धापूर्वक मैंने उन सबको प्रणाम किया। मुझको आशीर्वाद देते हुए विदुर बोले, बेटी, आज राजा सूरसेन से इस कुल का नाता जुड़ गया, भविष्य की दृष्टि से यह अच्छा ही हुआ। कौरवों के अतुल पुरुषार्थ की साक्षी देने वाले उस राजभवन में केवल 20 वर्ष की अवस्था में मैंने महारानी बनकर पदार्पण किया। मन पंख की तरह हल्का हो गया। सुख के अमृत घन मेरे सिर पर असंख्य धाराएं बरसाने लगे। हस्तिनापुर में मेरे दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। दिन कब निकलता था और कब अस्त होता था, इसका भी मुझको पता नहीं चलता था। धात्री प्रतिदिन पराक्रमी पूर्वजों की भिन्न भिन्न कथाएं सुनाती थी। बचपन में तितलियों के पीछे दौड़ने वाली प्रथा मेरे मानस पटल से अदृश्य होने लगी। भोजपुर में दीवार पर सिर पटकने वाली विवश कुंती अदृश्य होने लगी। सचमुच विस्मृति मनुष्य के जीवन की कितनी प्रभावशाली शक्ति है। दैनिक जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटा करती हैं जो सब की सब मनुष्य के मन में यदि बची रहें तो उनका परस्पर संबंध जोड़ते जोड़ते मनुष्य का मस्तिष्क फट जाएगा, वह पागल हो जाएगा। शायद इसीलिए प्रकृति ने विस्मृति की यह अमूल्य निधि मनुष्य को दी है। मेरी समस्त पूर्व स्मृतियां अब धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। मेरा मन धीरे धीरे मनोरथ की सुइयों से महारानी कुंदी के जीवन का राज वस्त्र सीने लगा। मैं अपने भाग्य से स्वयं ही संतुष्ट होने लगी। अब मेरे लिए किस वस्तु की कमी थी? मान सम्मान, संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ मेरे पैरों पर लौट रहा था। महाराज जैसा प्रेमी, पराक्रमी और सुंदर पति था। प्रतिदिन दर्पण में देखकर केश भूषा कराते समय मैं अपने ही प्रतिबिंब से कहती,
कौन है तू? महारानी कुंती की ओर इस प्रकार टकटकी बांधकर क्या देख रही है? तेरी दृष्टि लग न जाए उसको, फिर भी वह हंसती हुई मेरी ओर ही देखती रहती। बनावटी क्रोध से मैं शीशी में रखा मुख चूर्ण उस बिंब पर फेंकती। चूर्ण सारे दर्पण पर फैल जाता, प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता। मैं एक गोल चक्कर लगाती और महल के गवाक्ष में जाकर खड़ी हो जाती। वहां से गंगा का विशाल पात्र दिखाई देता। गंगा पर असंख्य कारंड पक्षियों का स्वच्छंदता पूर्वक उड़ते देखकर मेरे मन में विचार आता कि जीवन भी मधुर हिचकोले देने वाला एक झूला जैसा ही है। एक बार मैं गंगा की ओर एक टक देखती हुई खड़ी थी, पीछे से आकर किसी ने एकदम मेरी आंखें बंद कर दी। मैं चौंक पड़ी, आंखों पर हाथों की पकड़ और अधिक कसती गई। वे महाराज थे, मैं लज्जा से लाल हो गई। मुझको पास खींचते हुए वे बोले, कुंती, पुरुष जब पराक्रम करने लगते हैं तो पराक्रम की एक माला ही तैयार हो जाती है। मैंने तुमको पाया अवश्य, लेकिन राजा की दो स्त्रियां होती हैं, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी जीती हुई धरती। धरती के बिना राजा ऐसा ही है जैसे कि अयालों के बिना सिंह। मैं सिर झुकाकर सुन रही थी। उनके उस एक ही हल्के से स्पर्श में कैसा जादू था। मेरे शरीर का मयूर पंख फैलाकर नाचने लगा। अपनी उंगलियों से मेरी हनु ऊपर उठाते हुए वे प्रेम पूर्वक मुझसे बोले, यह राज्य पूर्वजों का है, मैं स्वयं जीते हुए राज्य से इसको और समृद्ध करूंगा। कल ही मैं दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। दिग्विजय? दिग्विजय का अर्थ है निरंतर युद्ध, एक के बाद एक नए सशक्त राज्य से युद्ध, जीवन मरण का खेल। अपने हाथों में मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उससे उन्होंने मेरे भय का अनुमान लगा लिया। मेरी आंखों में झांकते हुए वे बोले, कुंती, घबराओ मत, यह कुरुओं का रक्त है, इसका पराचय से परिचय नहीं है, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। उनकी आंखों से आत्मविश्वास की चिंगारियां बाहर निकलने लगी। अपनी सशक्त भुजाओं से उन्होंने मुझको अपने और समीप खींच लिया। अपने उत्तप्त होंठ उन्होंने मेरे अधरों पर रख दिए। गंगा से आने वाली ठंडी हवा के झोंके दो प्रेमियों के तप्त शरीरों को शीतल करने का असफल प्रयास करने लगे। धन्यवाद।